हरे कृष्णा। तो बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है जहां पर वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के अंदर हम देख रहे हैं कि वृत्तासुर हार भी रहा है और प्रवोक कर रहा है, अरे मार, मैं तो वैसे खंड खंड हो चुका हूँ, मार दे मार दे। तो वैसे एट द एंड ऑफ द वॉर हमने देखा कौन जीते, इंद्र। सो इसलिए ट्रॉफी जाती है इस युद्ध विराम में वृत्तासुर को। नहीं तो लेकिन वो तो हार गया। ऐसे भागवतम ना अद्भुत ग्रंथ है, जो आप सोचते होंगे ना उसका एक अलग ही अंग लेकर के आता है। जैसे यूजली अगर देखा जाए, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पत्नियां हैं, किसको किसको एजुकेट करना चाहिए? ब्राह्मण को चाहिए कि वो ब्राह्मण की पत्नियों को एजुकेट करे, सुनती हो भगवान थोड़ा सुनो, हमें ज्ञान है तुम सुनो। और भागवतम उल्टा होता है, ब्राह्मण पत्नियां जो है दे गिव इंस्पिरेशन टू ब्राह्मण, उल्टा। अच्छा वरदान अच्छा होता है, श्राप अच्छा होता है? वरदान अच्छा होता है, श्राप खराब होता है? नहीं सर, श्राप अच्छा होता है। भागवतम के अनुसार श्राप बड़ा अच्छा था, 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो भागवतम सुनना हो गया, तो इसलिए श्राप बहुत अच्छा था। श्राप अच्छा है? हाँ जी। सो भागवतम आपका जो यूजुअल कोर्स दुनिया में चलता है उससे अलग ही चलता है भागवतम। इसलिए इसकी कहानियां सुन के रहता है, अच्छा हमको लगा था ये ऐसा कहानी तो ऐसी जाएगी, वो ऐसा ट्विस्ट ना, ऐसे कैसे रे, दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए हम यहां देखते हैं कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर कि होना कुछ और चाहिए, लेकिन भागवतम के अनुसार शुद्ध भक्ति के जो टेम्पलेट्स हैं वो सामान्य जनता के टेम्पलेट से अलग हैं। जैसे बाकी शास्त्र में देखें ना, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी पे ही सारा टेक्स्ट हो जाता है खत्म। धर्म अर्थ, धर्म किस लिए है? अर्थ कमाने के लिए। अर्थ किसके लिए है? काम के लिए। भोग करो भाई, मजा करो भाई जिंदगी में। अच्छा काम से फ्रस्ट्रेट हो गया, मुक्ति मोक्ष। तो यह भोग के यहां तो मजा कर लो, जब भोग के मजा नहीं हुआ तो त्याग करके मजा कर लो, लेकिन अपना मजा। तो इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर ज्यादातर शास्त्रों में चर्चाएं आती नहीं है। वैसे हालांकि धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो एक्चुअल मीनिंग हुई है, धर्म अर्थ, अर्थ बना है धर्म के लिए, अर्थ को यानी कि धन को, संपत्ति को, संसाधनों को सेवा करनी चाहिए धर्म की। अच्छा काम यानी इच्छाएं, इच्छाओं किसी सेवा करनी चाहिए मोक्ष की। मोक्ष मतलब वैसे भगवान की सेवा की इच्छा, ऐसा होना चाहिए। इसलिए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इसी प्रकार से, क्योंकि राम धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक हैं। अर्थ करता है धर्म की सेवा, लक्ष्मण जी करते हैं राम जी की सेवा। उसी प्रकार से कामनाएं शत्रुघ्न, मोक्ष भरत जी। तो जो शत्रुघ्न है वो सेवा करते हैं भरत जी की। ऐसा इनफैक्ट ऐसा हुआ था, चारों जब थे तो सबका अलग अलग पालना था, राम जी का पालना, लक्ष्मण जी का पालना, भरत जी का पालना, शत्रुघ्न का पालना। तीनों बच्चे, चारों बच्चे रोए जाए, कितना चुप करा लिया बैठे, अरे मेरा बच्चा, अरे राम लक्ष्मण चुप चुप हो जा बच्चे, अरे मेरा कलाकंद, अरे मेरे बर्फी, सब हो गया जी बच्चे, रोए जाए। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, लक्ष्मण जी को पालने से उठाया, राम जी के पालने में डल दिया, और शत्रुघ्न जी को उठाया, उनको डाल दिया भरत जी के पालने में। चारों बच्चे खुश हो गए, उसके बाद दो पालने हटा देगा, कहते ये ऐसे ही खुश रहेंगे जीवन भर, इनको ऐसे ही रहने का है लीला के अंदर। तो इसलिए हालांकि धर्म और काम मोक्ष भी एक सही अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ऑफ द कोर्स चलता है, यूजुअल स्टोरी लाइन नहीं चलेगी उसकी। यूजली एक राक्षस हो, देवता हो, कौन विलेन होना चाहिए? राक्षस विलेन होना चाहिए, देवता हीरो होना चाहिए। पर इस स्टोरी के अंदर उल्टा हो गया, यहां पर हीरो वृत्तासुर है, असुर हीरो इसके अंदर। हां जी, तो शुद्ध भक्ति के टेम्पलेट संसार के टेम्पलेट से कुछ अलग चलते हैं। इसीलिए भक्ति जो है, भक्ति के कॉन्सेप्ट्स ये अचिंत्य हैं, क्योंकि यूजुअल कॉग्निटिव लिमिटेशंस के परे है दिव्य ज्ञान। इसीलिए तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि होना कुछ चाहिए लेकिन हो गया कुछ और। जैसे यूजली गुरु को डिसाइपल को दीक्षा देनी चाहिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिसाइपल गुरु को दीक्षा दे दे? ऐसा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के इसमें हुआ। चैतन्य महाप्रभु संन्यास का था हिसाब किताब, तो अब केशव भारती उनसे संन्यास लेना, केशव भारती तो अभी मायावादी सन्यासी, अद्वैतवादी सन्यासी है, तो क्या किया जाए? मुरारी गुप्त के पास गए महाप्रभु, क्या किया जा रहा है? वेरी इजी, अरे बहुत अच्छा हो गया, नाइस। गए महाप्रभु, कल रात को सपने में आप मेरे को आए थे, आपने मेरे को मंत्र दिया, क्या आप मुझको वही मंत्र आज देने वाले क्या? तो कौन सा मंत्र मेरे कान में बोलो। तो केशव भारती कान में उन्होंने बोले तत्त्वम असि, और उन्होंने इस कंसेप्शन से दिया तुम उन्हीं के हो, ना कि तुम वही हो। हालांकि तुम वही हो का मतलब ही देखा जाए तो वैसे एक नहीं है, तुम हो और वो हो, यानी दो है, तो भी एक नहीं है वैसे। तो इस जो एकत्व में समाये होते हैं उनको फिर एक एक ही नजर आ रहा होता है, एक एक नहीं सर, दो है, एक एक से भले दो। तो इसीलिए तुम उन्हीं के हो इस कंसेप्शन के साथ उन्हीं कान में मंत्र भुका, हाँ यही मंत्र देने वाला, तो फिर दे दीजिए वापस, ले लिया जी।
अब देखा जाए जो दीक्षा लेने वाला है उसी ने गुरु जी का पहले उस मायावाद वाला कंसेप्शन को चेंज किया वैष्णव कंसेप्शन में, और वैष्णव कंसेप्शन से ले लिया मंत्र वापस। ऐसी महाप्रभु की लाइफ में हम देखते हैं, एक समय जब साउथ इंडिया में थे तो वहां पर कुछ बुद्धिस्ट मिले उनको, और महाप्रभु वैसे भक्तों से मिला करते थे लेकिन साथ में प्रचार भी करते थे, तो कुछ जो एंटी डिवोशनल फिलोसफीज हैं या गॉडलेस फिलोसफीज हैं उनसे भी थोड़ी हल्की पुल्की चर्चा कर लिया करते थे। और महाप्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है, दिस पीनट्स इजी। तो अब ये बुद्धिस्ट आए, अब हम जानते हैं बुद्धिस्ट सिद्धांत जो है वो तो निरीश्वरवाद का सिद्धांत है, भगवान का तो उसके अंदर चर्चा है नहीं। तो महाप्रभु ने बड़ी आसानी से उनको डिफीट भी कर दिया। अब ये तो गुरु जी थे अपने डिसाइपल्स के साथ, तो चेले चपाटों के आगे अगर गुरु जी इस तरह से आ जाए तो बहुत बेइज्जती की बात है। तो इसलिए उस बुद्धिस्ट टीचर के अंदर बड़ा आक्रोश था कि ये सन्यासी ने कैसे हरा दिया हमें, और हमारा राजा भाई ऐसा कैसे। तो अगले दिन उसने क्या किया, कपट के भाव से एक बर्तन लेकर आया, बड़ा सा बर्तन था और उसके अंदर बहुत ही कुछ निकृष्ट वस्तुएं थी जो कि यूजली सन्यासी नहीं खाते, कोई वैष्णव नहीं खाएगा। कहता है ये हविष, ये प्रसाद है, और मैं जानता हूँ वैष्णव जो है ना प्रसाद को मना नहीं करते, खाएंगे। तो महाप्रभु जब उसकी ओर देख करके मुस्कुराए, तब भी एक सेलेस्टियल बाज आया, उसने वो बर्तन उठाया, उठा के ले गया, उड़ा के ले गया, और ये बुद्धिस्ट जो गुरु था ए, 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 और ऊपर घुमा घुमा गए, उस छोड़ दिया वो भांडा सीधे उसके, और ये बेहोश पड़ा वहां पर। अब एक गुरु जी यहां बेहोश पड़े, डिसाइपल ने कहा अरे हमारे गुरुदेव बुद्धिस्ट गुरु जी, बुद्धिस्ट गुरु जी, बुद्धिस्ट गुरु जी, ये तो रोए पिटे। वो आए महाप्रभु, देखिए आप जो कुछ भी हैं जी, ये हमारे गुरु जी तो ऐसे यहां मूर्छित पड़े, आप क्या होगा। देखो अगर इनको मूर्छा से जगाना है तो इसलिए इनके कान में मंत्र फूकना पड़ेगा। अब यूजुअली गुरु डिसाइपल के कान में मंत्र फूकता है, लेकिन महाप्रभु की लीलाओं में उल्टा होने वाला है, डिसाइपल गुरु के कान में मंत्र फूकेंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, डिसाइपल्स ने अपने गुरु के कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुन करके फिर वो बुद्धिस्ट गुरु जी वापस होश में आए, एंड विद दैट मैजिक ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ही बिकेम अ डिवोटी अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल्स। इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीपाद रामाचार्य, उनके गुरु कौन रहे, यादव प्रकाश। अब ये तो शुरू से ही पता लग गया था कौन कितना प्रतिभाशाली है, कौन किसका सिद्धांत सही है, सबको पता ही था। आप सुझान दे वो लीला जिस तरह जिस प्रकार से बताया कि भगवान के चरण कमल भला कैसे हैं या भगवान के नेत्र कैसे हैं, तो बजाय की बताने कपि का मतलब कमल, उसमें बता दिया कपि मतलब बंदर का जो पिछवाड़ा होता है ना, वैसे वाला पिंकिश कलर है भगवान के चरणों का, जैसे बंदर का पिछवाड़ा होता है। जब ये बोला था ना यादव प्रकाश ने, तो उस वक्त रामानुचार्य जी के आंखों से गरम गरम अश्रु गिरे, वो मसाज कर रहे थे उनके, गरम गरम अश्रु टांग पे गिरे थे। तो मैं स्पा में थोड़ी ना आया कि गरम गरम तुमने गिरा दिया, क्या हुआ है, उन्होंने बताया ये तो आपने क्या ही इतनी वाहियात एक्सप्लेनेशन दी आपने। तो ये हिस्ट्री हो रही है। ये इंसिडेंस के बाद फिर रामानुचार्य अलग हुए एंड देन ही बिकेम ग्रेट आचार्य। अब यादव प्रकाश वॉज वेरी मिजरेबल, उसके बाद से ना कभी भी रात को सो ही नहीं पाया यादव प्रकाश, नेवर नेवर। उनकी माँ बोला करती, कहते यादव प्रकाश भाई ये तो कंप्लीटली साबित हो चुका है कि वो परम वैष्णव हैं रामाचार्य, जब तक तुम उनके शरण में नहीं जाओगे तुमके मन को, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। कहते अरे कैसे शरण में चला जाऊं, गुरु रहा हूं मैं उसका, शिष्य रहा हूं मेरा, ऐसे दौड़े मैं शिष्य का शिष्य बन जाऊंगा मैं, है कहता तुम्हें तड़पता रहे फिर तू मूरख। तो यादव प्रकाश जो है उसको बड़ा प्रेशराइज इस प्रकार चला जा रही है, उसने देखा हाँ दुखी तो मैं हूं, और जितने भी रामाचार्य के डिसाइपल्स हैं सब कितने खुश हैं आनंद में हैं, पर मैं ईगो फंसा हुआ हूं कि मैं अपने डिसाइपल का डिसाइपल कैसे बन जाऊं। फाइनली मिलने के लिए गए वो रामाचार्य, और रामाचार्य जी ने उनको इतना स्वागत किया, खड़े हुए हाथ जोड़ करके उनको बिठाया, वाकई में उनको वैसा ही सम्मान दिया जैसे कि शिष्य को गुरु को देना चाहिए, वैसा वाला सम्मान दिया उनको। तो फिर थोड़ी देर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ये भक्ति की बात करते हो, भक्ति भक्ति ऐसे थोड़ी भक्ति होती है, एकत्व की बात होती है, अद्वैत सब कुछ एक है। रामाचार्य ने कहा देखिए मैं तो शास्त्रों में इतना दक्ष नहीं हूं, ये मेरा शिष्य कुरेश है ना, इसको सिद्धांत बड़ा पता है, आप थोड़ा इससे चर्चा कर लीजिए। वो कुरेश ने तो वहां पर इतने सारे कोटेशंस दी शास्त्रों की कि वो दंग रह गए, बना दिया कि हरि परायणम परम पुनः पुनर्वदाम्य अहम हरि परायणम परम, हरि भक्त सुदोदय से चैप्टर 3 वर्स नंबर 52। इस प्रकार से हरि के परायण होना ही परम, यही परम अवस्था है, यही परम अवस्था है, ये शास्त्रों में ही लिखा है, उपनिषदों से कोट किया, परास्य शक्तिर्विधेय विश्वेश्वरे, इस प्रकार से कितने ही शास्त्र कोट किए। ये तो दंग रह गए, शिष्य का जब ये हाल है तो गुरु जी तो फिर क्या ही होंगे। तो उसके बाद लिखे उन्होंने कहा
आइए बैठ गई। उसके बाद उनकी सौम्यता को देख करके, उनकी विनम्रता को देख करके वहीं के भाई दंडवत कर दिया यादव प्रकाश ने रामानुचार्य जी को। उसके बाद फिर रामानुचार्य जी ने उनको स्वीकार किया, उनकी दीक्षा हुई और उनका नाम पड़ा गोविंद जीयर, ये बिकेम अ वैष्णव। कहां इतना एरोगेंट व्यक्ति एकदम विनम्र हो गया, कहां पर ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति से दूर रहता था, अब भक्ति के बिना रह ही नहीं पाता। अब जहां पर उसकी आंखें सूखी थी, आंखों से एक बूंद आंसू ना कभी गिरता था, अब यहां पर अपने गुरु श्रीपाद रामानुचार्य जी का गुणगान करते करते करते, ये तो वाकई में राम के अनुज ही हैं, राम के अनुज ही आए हैं, राम के अनुज ही आए हैं, इसी प्रकार से उनका गुणगान किया करते थे और कहते कहते वो अपना जीवन जिया करते। तो फाइनली वो आए और उन्होंने बोला अपने गुरुदेव को यानी रामानुचार्य जी को, मेरे लिए क्या कोई सेवा बताइए ना। उन्होंने कहा कि आप इतने प्रगाढ़ पंडित हैं, आप जो यति धर्म है यानी संन्यास धर्म है, इसके लिए आप कुछ लिखिए। तो उन्होंने यति धर्म समुच्चय नाम का फिर ग्रंथ भी लिखा। एट दैट टाइम ही वाज 80 years old, but then yes, after a few days then he left taking the name of Lord Narayan. पर हम देखते हैं जहाँ जहाँ भक्ति आती है ना, वहाँ पर usual templates से कुछ अलग ही होता है, और ऐसा होता भी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं जो आखिरी सेंटेंस है इस तात्पर्य का, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि वास्तव में चाहे कैसी परिस्थिति हो, किसी परिस्थिति में अपना कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। जैसे मैंने बोला, those who are dutiful, they become beautiful. So dutifully लगे रहना चाहिए, और विशेष रूप से जब भगवान की सेवा की ड्यूटी हो, ये तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो ना प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में थे, तो बीच से निकले तो बीच में हमें देखा लोग सी सर्फिंग कर रहे हैं, ये कभी लहर के ऊपर कभी लहर के नीचे, और उसको पुराने दिन अपने याद आ गए थे, याद आ गया मुझको गुजरा जमाना। तो चल तो दिया, लेकिन अब डीटीज की सेवा करते करते उसको याद आ जाते, वो भी क्या दिन थे यार, हम भी ऐसे सर्फिंग करते थे। तो एक समय उसकी टेम्पटेशन इतनी हाई हुई, उसने कहा यार भाई मैं सेवा किसी और को देता हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। वो चला गया वहां पर, धोती कुर्ता उसने किनारे किया, अपना चड्डी वड्डी पहन करके चल दिया अपना सी बोर्ड लेकर के, भाई हमें यार पुराने दिन याद आ गए मेरे को, और चल दिया और वहां पर सी सर्फिंग करते रहा, करता रहा, उसको बड़ा अच्छा लगा, पुराने दिन बड़े जाए। तभी उसने ऑब्जर्व किया कि ना उसके आसपास कुछ तीन एंटिटीज परिक्रमा कर रही है उसकी। अबे ये तो शार्क है, तो बोल रहे हो ये शार्क कहां से आ गई, कभी ये तो मेरी परिक्रमा क्यों कर रही है, और उनसे आवाज आ रही महाप्रसाद गोविंदे मां, कहता बेटा अब तो गए यार, ये तो भाई अब तो हो गया काम आज। कहता भगवान ने गीता बोला अमंग द एक्वाटिक्स आई एम शार्क, कहता प्लीज अरे भगवद गीता उसको भाई याद, ये याद नहीं आ रही तो विभूति योग है भाई, ये स्वयं थोड़ी भगवान शार्क बन गए अभी है थोड़ी तो। अरे तो उसने कहा अरे प्रभु मैं आज के बाद अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन आज ये महाप्रसाद गोविंद से बचा लो मेरे को। और परिक्रमा करते करते तीनों शार्क गायब हो गई, वापस बोर्डिंग करके वापस पहुंचा, अपने चट्टी वट्टी उतार करके अपना कोपेन पहन के धोती कुर्ता पहन के, प्रभु तो भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ बड़े सौभाग्य से मिलती है भगवान की सेवा। तो जितने लोग भी सेवा छोड़ गए ना, अल्टीमेटली शार्क ने ही उनको घेरा है। इसके केस में तो खैर लिटरल शार्क थी, जितने लोग सेवा छोड़ के आते हैं नहीं जा नहीं कर रहे हैं सेवा, नहीं तो एक लौता मंदिर है क्या जी, जड़िया में 700 मंदिर बने वो कह के जी तैश में निकल गए। अरे फिर जो शार्क जो घूमती है उसके आचार हुआ वापस आता है, कहते प्रभु जी राधा पार्थी से बहुत अटैचमेंट है, तुम्हारी तो बहुत अटैचमेंट है। भगवान की सेवा जो है हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए। यस, जैसे आरुणि का बड़ा सुंदर एग्जांपल आता है कि यार गुरु ने बोला कि आप जो ये खेती है खेती को बचाओ, खेती का जो बाड़ा है इसके इसका बाहर की पेरिफेरी है, इसमें आपको आपको रक्षा करनी है। तो जब बाढ़ बहुत ज्यादा बारिश हुई तो बाढ़ का सीजन था तो खेतों में पानी आ रहा है, तो एक जो जगह थी वो टूट गई थी, वहां से पानी अंदर आ जाए सारी खेती खराब हो जाती। ये आश्रम का स्थान था सारा, जो खेतों वाला स्थान था, तो वहां पर आरुणि ने वहां पत्थर वत्थर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सारा पानी उसको तोड़ करके अंदर आ रहा था। फाइनली उन्होंने खुद को लगा दिया वहां पर कि शरीर टूटेगा तो टूटेगा, लेकिन गुरु की सेवा मेरे को नहीं छोड़नी है। तो इसीलिए ड्यूटीफुल रहना ये बहुत जरूरी है, हर परिस्थिति के अंदर हमें ड्यूटीफुल रहना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने एक समय देखा कि ना गुरुदेव आ रहे, अभी बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश हो रही है, बारिश हो रही, तो एक जगह थी जिसमें कीचड़ इकट्ठा हो गया। अब कीचड़ भी इकट्ठा कितना है, इतना कीचड़ हो रखा है। अब इसमें ये है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, इनको साथ लेके अभी जा रहा था, तो सामने से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जा रहे थे।
उसने जब ये देखा कि ना गुरुदेव जा रहे हैं, उसने वहीं के वहीं साष्टांग दंडवत किया। आप सोचिए अगर ऐसे 1.5 फुट पानी भरा हो, कीचड़ भरा हो, तो अगर आप दंडवत करते हैं तो आप पूरे के पूरे सबमर्ज हो जाएंगे कीचड़ के अंदर। और हमारे सारे आचार्यों में सबसे लंबा प्रणाम मंत्र किसका है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, राइट। पूरा प्रणाम मंत्र बोल करके फिर वो उठा तो पूरा कीचड़ 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 कीचड़। और ये देख लिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कि मेरे शिष्य ने कीचड़ में पूरा सबमर्ज हो करके प्रणाम किया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी कीचड़ में उतर आए, गाड़ी रुकवाई, कीचड़ में उतर आए। और यहां देखा शिष्य खड़ा हुआ है, शिष्य के पूरे शरीर पे कीचड़ है, लेकिन दो जगह कीचड़ नहीं था, यहां, क्योंकि आंखों के अश्रुओं ने कीचड़ को यहां से साफ कर दिया। सो ओनली दीज टू प्लेसेस, यहां पर बस कीचड़ नहीं था, बाकी सब कीचड़ कीचड़ है। तो श्रील भक्ति साहब महाराज ने कहा तुमको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी, इतना कीचड़ है, तुमने पूरा दंडवत कर दिया, ऐसे बस कर रहे थे जय गुरुदेव करके, जैसे कलयुग में लोग करते हैं शॉर्टकट वाला, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने पूरा ऐसा क्यों संभर्ज हो गया, तुमने क्यों किया प्रणाम मेरे को? तो डिसाइपल बोला गुरुदेव आपके चरणों में किए गए ये प्रणाम ही तो मेरा एकमात्र धन है, और मेरे पास और है क्या गुरुदेव। तो जब उसने ये बोला तो श्री भक्ति सिद्धांत महाराज की आंखों में झरझर झरझर आंसू आ गए, मेरे शिष्य का कितना प्रेम है मेरे से। तो श्री भक्ति सिद्धांत महाराज जो है उस वक्त और कुछ बोले ही नहीं, बस ऐसे हाथ किया और चले गए। सो कभी कभी इतना आशीर्वाद होता है कि वो आशीर्वाद शब्दों में बयान नहीं हो सकता ऐसा, बट यस ही वाज ड्यूटीफुल। अगर गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव को प्रणाम करना तो बनता है, और ये मेरी ड्यूटी है। यस, श्रीमद रामानुचार्य जी उनको पता था एक व्यक्ति है जो उनसे ईर्ष्या करता है, क्योंकि उम्र में बड़ा है, रामानुचार्य जी उम्र में छोटे हैं लेकिन आचार्य हैं, वो आचार्य नहीं है। जब कभी कहीं पर जाता है तो वो लोग इसके पास अगर खड़े होते हैं तो उसके पास इनके पास आ जाते हैं रामानुचार्य के पास, सो ही वाज एनवियस ऑफ श्रीमद रामानुचार्य। तो उसने सोचा होता कि ना ऐसा क्यों ना करूं, जहर देखे मार ही दूं रामानुचार्य को। तो उनको इनवाइट किया रामानुचार्य को, हमारे घर पे आइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और वाइफ को बोला जहर मिला, पोटेशियम साइनाइड डाल, फिनिश हिम। अब वाइफ ने बना तो दी, सारी प्रिपरेशन बनाई, उसने पोटेशियम साइनाइड भी डाल दिया, लेकिन जब परोसने के लिए आई ना और रामानुचार्य जी को देखा, उनकी सुंदरता, उनकी सौम्यता, उनकी पवित्रता, उनका ओज, उनका तेज, उनकी भक्ति, हृदय पिघल गया उसका। लेके तो आई, टेबल पे रख भी दिया, हे आचार्य एक निवेदन है, इसको मत पाइए। रामचंद्र कहा लेकिन आप ही तो लेकर के आए हो। कहते हाँ मैं लेकर के आई हूं, पर मेरे पति देव है ना, उन्होंने बोला है परोसो, इसमें पोटेशियम साइनाइड के साथ दो, तो इसलिए आप इसको मत पाइए, मैं आपके दर्शन पा करके पवित्र हो गई हूं, तो इसलिए आप इसको मत पाइए। रामचंद्र कहा नहीं नहीं प्रसाद है, नहीं नहीं प्रसाद नहीं है, नहीं भोग लगाया हमने इसका, सिर्फ इसमें जहर ही डाला है, क्योंकि मेरे पति के हृदय में बहुत जहर है, तो थोड़ा सा उसे छलका करके इसमें डाला है। तो रामचंद्र जी नहीं पाया उसको। अब पति को पता लगे कि पत्नी का दिल पिघल गया, अरे धोखा दिया मेरी पत्नी ने मेरे को, मेरे प्रोजेक्ट को फेल कर दिया, कोई बात नहीं इस बार प्रोजेक्ट हम अपने हाथ में लेंगे। उसने चरणामृत के अंदर जहर मिलाया, अपना हाथ थोड़ा सा निकाला, बहुत सारा यहाँ इकट्ठा किया हुआ, थोड़ा सा छलकाना है बस, निकल गया। तो हृदय से जहर निकालकर चरणामृत दिया। तो जब श्रीपाद रामचंद्र जी को देने वाला था, तो रामचंद्र जी ने देखा कि विष डाला हुआ है आज इसने, लेकिन इसके हृदय को तुष्टि इसी से मिलेगी, हाँ ठीक है लाओ दे दो। और रामाचार्य जी ने ओम नारायणाय नमः पान कर लिया। अब ये बड़ा खुश हो कि चलो भाई अपना प्लट हो गया। उसके बाद रामाचार्य जी ओम नमो नारायणाय बोलेगा, दर्द हो रहा है, जहर काम कर रहा है। उसका रामाचार्य जी पूरे लेट के मानो दंडवत कर गए, कहते हाँ हो गया हो गया, इसकी नब्ज चेक करने के लिए जाता हूँ। आए बाहर की और नब्ज चेक करने के लिए आए, ओ रामचंद्र जी ने और मुझे स्वयं बोला ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ये एक्सटैटिक सिम्टम्स देख करके उसका हृदय पिघल गया, भाई ये इन पे तो जहर काम करता नहीं, क्योंकि ये तो राम के अनुज है जो आचार्य के रूप में आए हैं, राम अनुजाचार्य, हृदय पिघल गया। पर यहाँ पर बींग ड्यूटीफुल टुवर्ड्स चरणामृत, चरणामृत है, ऑनर तो हमें करना ही है, सो ही वुड डू दैट। या साथ ही हम देखते हैं कि ना ड्यूटीज की भी ग्रेडेशन होती है, जैसे हमारे संसार के प्रति भी ड्यूटीज हैं और भक्ति वाली ड्यूटीज भी हैं, दोनों ही ड्यूटीज हैं, पर दोनों में श्रेष्ठ वाला क्या है? भक्ति की ड्यूटीज। जैसे कि ना एक समय एक व्यक्ति ने पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से कि ना आप नवदीप मंडल परिक्रमा में लेके जाते हैं, लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर हम क्या हम झूठ बोल सकते हैं क्या?
तो शिल भक्त से मारने का, हाँ झूठ बोलो, तुम बीमार हो, तुमको लूज मोशन लगे हैं, डिसेंट्री है तुमको, झूठ बोल दो। उसने कहा जी जी ओके। लेकिन अब बिल्डर हो गया था, तो आचार्य है, आचार्य बोल रहे हैं झूठ बोलने के लिए, तो ना बिल्डर हो गया वो। तो श्री भक्त महाराज ने क्या किया, अपने डिसाइपल को इशारा किया कि इसको तात्पर्य समझाओ इसका। तो उसको तात्पर्य समझाया कि भाई एक होती है रिलेटिव रियलिटी, एक होती है एब्सोल्यूट रियलिटी। रिलेटिव रियलिटी में भी हम ड्यूटीफुल रहते हैं, ट्रूथफुल रहते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वेरी गुड, करते हैं, निष्ठ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पर भगवान की बात आती है तो उसके लिए यहां पर कुछ आगे पीछे करना पड़े, इट्स ओके। अगर झूठ बोलना पड़े, अरे इट्स ओके, बोल दो हाँ भाई कोई ना कोई मर गया है, पेट खराब है, जाओ नवदीप मंडल परिक्रमा। ये काम मैंने भी किया, ऐसे मेरे को थोड़ा गिल्ट लगता है, मैं झूठ बोला है अपने बॉस से यार। पर मैंने जब ये लीला पढ़ी ना भक्ति सिद्धांत वैभव, मेरे को इतना संतोष मिला, मैंने कही तो आचार्य ने बोला झूठ बोलना है, वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। ये ना सोचे चलो भाई आज अमोक लीला प्रभु ने बता दिया हमको झूठ बोलना अलाउड है, नहीं, वैसे हमें सच ही बोलना चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा अगर झूठ बोल करके ही हो पा रही हो तो फिर झूठ बोल देना चाहिए। परम सत्य की सेवा में झूठ को भी लगाना चाहिए। परम सत्य कौन, हु इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्णा। तो वैसे मैं सच का पालन नहीं करना चाहिए, मैं अगेन बता रहा हूँ, कोई इसका मिसयूज ना करें। आज लीला बताए झूठ बोल सकते हैं, नैन मणि मंजरी बोली झूठ बोला तुम, पर कब, जब कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो तब, अदरवाइज हमें सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। झूठ बोल दिया करो। मैंने भी इसलिए, मैं करीब 7 साल लगातार परिक्रमा गया हूँ, हर साल जब मैं काम करता था बाहर, हर बार मैंने ताऊ जी को अब होता कि ईयर एंड में ना सारा काम ऑफिस में काम होता है, ईयर एंड में ज्यादा होता है, मार्च का महीना होता है ना, हमारी परिक्रमा भी कब होगी, मार्च में, उसको छुट्टी नहीं मिलती मार्च के महीने में, बच्चों के एग्जाम भी उस दिन होते हैं, तो भाई अब तो इसीलिए अब छुट्टी तो मिलने नहीं, तो क्या करें भाई, तो बॉस वो ताऊ जी का निधन हो गया, जाना पड़ेगा। कहाँ रहते भाई तेरे ताऊ जी, तमिलनाडु। ट्रेन से जाना है, ट्रेन से आना है, और हमारे यहाँ 5 दिन का रिचुअल होता है, तो उससे फिर तभी तरता है वो व्यक्ति। कहता भाई तो और कोई नहीं गया, मैंने इकलौता बेटा हूँ, बाकी सब बैठ गए हैं हमारे यहाँ तो। अच्छा ठीक है भाई, जा यार। अगले साल फिर से ताऊ जी गए, कहा ये बड़े ताऊ जी। तो 3-4 ताऊ जी के जाने के बाद उसको शक हो, कहता है भाई तेरे कितने ताऊ जी, पहले बता। तो मेरा क्लियर था भाई 7 साल ये काम करना हमको, मैंने कहा 7 ताऊ जी हैं, उसके बाद तो ब्रह्मचारी बनना है हमें, क्लियर था अपना फंडा। तो भगवान की सेवा, लेकिन हम 7 साल जा पाए नवदीप मंडल परिक्रमा, क्यों, झूठ झूठ बोल करके। तो इसलिए ड्यूटीज आर एट वेरियस लेवल, तो ड्यूटीज अगर कॉम्प्रोमाइज, कभी जो है सांसारिक ड्यूटीज कभी कभी हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, इट्स ओके। इसको जैसे हमारे एक भक्त बोल रहे हैं प्रभु जी घर में ना इतना मीट बनता है, प्याला सुन बनता है, क्या करें हम, क्या करें। मैं कहा सिंपल है भाई, किसी डॉक्टर के पास जा, उसको थोड़ा महाप्रसाद पकड़ा, कहते भाई लेटर हेड पे लिख के दे, इसको फला फला बीमारी है, ही इज एलर्जिक टू नॉन वेज और प्याज लहसुन और 2-4 सब्जियां जो पसंद, जो तेरे को नहीं पसंद है वो बता दे। कहते हैं परमल, कटहल, शलगम, करेला, कहते हैं ये इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका लेमिनेट करा करके उसको घर पे लगा। उस दिन से उसके पेरेंट्स खुद एंश्योर करते हैं कि वो ये ना खाए, कि अगर कभी मनुष्य मन करे कुछ प्याज लहसुन वाला खाए, नहीं खाना, ये कुरकुरे है, कुरकुरे में प्याज होता है, नहीं खाना। मतलब कभी हल्का नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरा स्वास्थ्य के लिए दिखा, तो झूठ बोला उसने। सो ड्यूटीज यानी कि प्योरिटी के लिए जो है कभी कभी हमें, वी आर टू कीप ऊंचा सिद्धांत, फॉर अ हायर प्रिंसिपल यू वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोअर प्रिंसिपल, दैट्स फाइन। जैसे यूजली हमें माता जी ही बोलना चाहिए, स्त्रियों को माता जी बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप जब बुक डिस्क्रिप्शन करते हैं ना, आप किसी नई लड़की को माता जी बोल दो, उसका बीपी शुगर ऊपर नीचे हो जाता है उसका। वैसे वो बोलेगी क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है, हाँ घर पे है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन वैसे माता जी बोलो, फिर देखो फ्यूज उड़ जाता है उनका भाई, नहीं नहीं माता जी बोलना, मतलब अपमान कर रहे हैं आप, प्लीज। तो इसीलिए अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोलना है तो आप विदाउट सेइंग माता जी वी कैन डिलीवर। तो इसीलिए हायर प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं साथ ही वृत्तासुर का अगर चरित्र देखे ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैसेज मिलता है वो है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में भला हमें कैसे लाइफ में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्योंकि ना बड़ी बड़ी बातें बोलना, अच्छे अच्छे प्रवचन देना, ये बड़ा आसान है एक्चुअली, वेरी इजी। कई लोग अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, बढ़िया बढ़िया, नाइस, लेकिन उनके खुद के जीवन में जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है ना, तब असली माल बत्ता भरा आता है। प्रभु जी आप तो इतना बढ़िया प्रवचन देते, अभी आपकी सुतली माँ कैसे लग गई, ऐसा कैसे,
सो द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज नोन बाय हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू प्रोवोकिंग सिचुएशंस. यस, जैसे कि ना तीन एग्जांपल आते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स देने के प्रोवोकिंग सिचुएशन में. जैसे यहां पर देखिए वृत्तासुर इज नॉट एट ऑल प्रोवोक्ड, रादर ही इज प्रोवोकिंग, अरे मुझे हराना, अरे मैं तो वैसे ही मरा पड़ा, अरे आ जा 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 जा. तो प्रोवोकिंग सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में हाउ इज ही रिस्पॉन्डिंग. जैसे एक एग्जांपल है हैगफिश का. हैगफिश क्या करती है, अगर कोई से छेड़ेगा ना तो उसके मुंह से ना ऐसे गंदे सब्सटेंस निकलते हैं जो कि बहुत एसिडिक होते हैं और से बदबू भी उठाते हैं, ऐसा लगता है. कुछ लोगों को जो प्रोवोक करते हैं ना उनके मुंह से वर्बल अब्यूज निकलती है. वैसे शास्त्र बोलते हैं वो प्रभु जी श्लोक तो पूरा कर दो. तो इसीलिए त्रिनादपि सुनिचेना बोलना जितना आसान है इसका पालन उतना कठिन है. एक्चुअली एक भक्त बोला मेरी भक्ति करने की बहुत इच्छा थी, जैसे ही मैंने शिक्षाश्रम का तीसरा श्लोक पढ़ा मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई कि भाई ये श्लोक तो होने का ही नहीं. और सब बड़े बड़े मात खाते हैं इसके अंदर. ये त्रिनादपि सुनिचेना श्लोक जो है ना, दिग्गज लोग मात खाते हैं इसके अंदर. दिग्गज, बिविल्डरिंग फॉर कॉमन मासेस टू सी सच अ बिहेवियर. यार ये तो ऐसे ऐसे फ्यूज कैसे उड़ गया रे. एंड देन मुंह से वर्बल अब्यूज भी निकलती है, अरे क्या है, अरे तेरे ऐसा जेब में लगे घूमता हूं मैं. हाँ नहीं तो हाँ बाकी श्लोक क्या था, कीर्तनीय सदा हरि. वर्बल अब्यूज होता है ऐसा. जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट अंदर जो बॉलर होता है वो अपील करता है, अपील करता है ना, और उसने बहुत बढ़िया अपील कर दी उसने, उस पे अंपायर बोले भाई इतनी बढ़िया अपील की है, आउट देना बनता है भाई, कहता भाई आउट है भाई. ऐसा होता है नहीं होता. अगर कितनी बढ़िया अपील करे बॉलर लेकिन अंपायर नॉट आउट, वो दोबारा अपील करता है, बोले कि वो लेकिन अंपायर नॉट आउट. इस तरह से मन में जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, मन बोलता है चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात. हमने कहा, हम भी सोचे भाई मन में गाली आई है, दो चार मुंह से निकलनी बनती है भाई, तू तो है तो तू है. जब मन में ऐसी अपील आए, अब तेरी No, not out. जरूरी. So sometimes we behave like a hagfish. Sometimes we are like eel. Eel एक मछली होती है, उसके अंदर भगवान ने इलेक्ट्रिक सर्किट रखा है. मतलब कभी कभी मगरमच्छ तक मर जाते हैं ईल को खा करके. ईल को दबाया मगरमच्छ तक, वहीं पे समाधि. So sometimes people retaliate in provoking situations with physical abuse. पलट करके they would do violence. ऐसा भी करते हैं लोग, मार दूंगा तेरे को मैं, कहीं मेरे इलाके में आ बच्चू. फिजिकल वायलेंस से करते हैं, तो इसलिए दे बिहेव लाइक ईल. एक होती है एक्सप्लोडिंग एंट, अगर आपने उसको जाए छोड़ दिया ना फट जाती है वो. यहां पर होती है अफ्रीका पाई जाती है, आप कहेंगे कौन सी हमारे यहाँ तो कोई चींटी मरती नहीं, चींटियों को इतना छेड़ लो चलती रहती है अपना. पर अफ्रीका में एक एंट होती है एक्सप्लोडिंग एंट, उसको हाथ लगा दो छेड़ दो फट जाती है. इसलिए कुछ लोग अगर आप छेड़ दो ना फट जाते हो, मतलब सेल्फ अब्यूजिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे. अकेले में जाएंगे दीवार पे मारना है, यहां से खून निकल रहा है उसका, लगा हुआ अकेले में, कहता है दारू ला. सेल्फ अब्यूज, खुद को अब्यूज करना, या दीवार पे सर लेके तुम तुम तुम, सेल्फ अब्यूज इस तरह खाली करते हैं. तो इसलिए व्हेन वी आर प्रोवोक्ड, प्रोवोकिंग सिचुएशन में हमारी असली औकात सामने आ जाती है. हमारे क्या ना, हम डेंटिंग बेंटिंग वाले भक्त हैं हम लोग. डेंटिंग बेंटिंग क्या होती है, अंदर तो लोहा है बाहर सोने का पानी चढ़ा दो. देखो जी हमने लोहे को सोने में बदल दिया, देखिए 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 सोने में बदल दिया इसको. जैसे ही नमी आती है पपड़ी बननी शुरू होती है, अरे पपड़ी बन रही है तो अंदर से क्या निकलता है, लोहा. सो बड़े हैवी ड्यूटी हीटिंग एंड हैमरिंग उसके बाद कर, तब जाकर के एक मेटलर्जिकल प्रोसेस से जाकर लोहा बनता है सोना, जब अंदर से बाहर से वो सोना है. हमारे साथ क्या है, हम डेंटिंग बेंटिंग वाले भक्त हैं, वृत्रासुर जैसे नहीं है. वृत्रासुर अंदर से ही भक्त है पूरा. यस, हमारा हम है बाहर वाले भक्त, डेंटिंग बेंटिंग वाले भक्त, अंदर से सांसारिक, बाहर से धोती कुर्ता उतरी तिलक कंठी. आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा.
अनुमिया माता की गोपी ड्रेस, आई एम अ गोपी ऑफ कृष्णा, वेरी गुड. इतना आसान है भक्त बनना. धोती कितने की आती है? 300 रुपए. कुर्ता 150 रुपए. कंठी माला 30 रुपए. तिलक 10 रुपए. 500 रुपए. 500 रुपए आई भक्त बनिए. 500 रुपए. माताओं की फिर अलग अलग रेंज भी है. गोपी ड्रेस 500 रुपए की भी आती है, 5000 रुपए की भी आती है, उसमें डिफरेंट रेंज है. सो डिवोटी बनना कितना आसान है रे. आए सर डेंटिंग पेंटिंग वाले भगत हैं अभी हम. यस. तो जब अंदर से बाहर से भक्त बनने के लिए हीटिंग हैमरिंग वाली प्रोसेस से निकलना पड़ता है, साधना भक्ति में लगना पड़ता है, अपने आप को पिघलाना पड़ता है, तब जाकर के आने वाले कई सालों में जाकर के कम भक्त बनता है भक्त. अदरवाइज वो था कम भक्त, आज भी कम भक्त, और कल भी सुपरलेटिव डिग्री वाला कम भक्त. कम भक्त का मतलब है जो अभी कम भक्त है, अभी ज्यादा वाला भक्त नहीं बना वो अभी, लेकिन बन जाएगा वो. यस. तो इसलिए प्रोवोकिंग सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने आप को अंदर से जब चेंज करेंगे, देन वी कैन एक्चुअली चेंज आवरसेल्व्स. तो हमें फील भी हो कि हाँ मैं भक्त हूं. नहीं तो कई बार सालों साल बीत जाते हैं, फीलिंग ही नहीं आती. भक्त हूं really? कुछ भक्त वाली फील ही नहीं है यार. हम तो जाके किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं. अबे तुम्हारे, अबे चपड़ गंजू, अबे तो किसी को सुना देते हम तो. हाल चाल तो मेरे भक्त बने नहीं है. यस, क्योंकि भक्त बना बड़ा कठिन है. एक स्पेशल ससुर महाराज जी ने पोएम लिखी. पोएम के आखिर में लिखा, योर डिवोटी ससुर दास गोस्वामी. प्रभुपाद जी ने पोएम पढ़ी. प्रभुपाद ने कहा पोएम तो बहुत अच्छी है, बस आखिर में तुमको ये नहीं लिखना चाहिए, योर डिवोटी, यू शुड राइट योर सर्वेंट. अभी हम डिवोटी नहीं है, हम डिवोटी बनेंगे कभी. प्रभुपाद जी तो आपको प्रेमी भक्त है, बट ही इज टीचिंग अस दिस हाउ व्हाट वी शुड फील, दैट वी आर जस्ट एस्पायरिंग टू बिकम डिवोटीज. हम तो प्रेरणा लेने के एक दिन भक्त बन जाए. अभी तो डेंटिंग पेंटिंग वाला हाल ही, बस बाहर से ढिंचा को करके हे हरे कृष्ण, क्या इसको प्रोवोकिंग सिचुएशन दो जरा. अंदर से असली व्यक्ति बाहर निकल के आता है. सो प्रोवोकिंग सिचुएशन जिसका ना जिस जो कि जिसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हैं, उसके बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं. जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, ऐसे व्यक्ति देखो बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं आए दिन, मतलब आसपास के लोगों के साथ. जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले उनको तो खैर कोई शांत नहीं कर सकता, उनको तो कुछ नहीं कर सकता. पर सामान्य तौर पे भी ना अगर कॉन्फ्लिक्ट है जीवन के अंदर, यानी कि हृदय के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स काफी है. इससे सरल व्यक्ति के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते. उसको पूछते रहना है, तेरे को पता है ऐसा हो गया? अच्छा कब हुआ? अबे तेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है? कब? अबे उसने की थी है? ऐसा क्या? सरल है, सरल है. तो शरणागति के लिए क्या जरूरी है? शरणागति के लिए सरलता जरूरी है. तो ये वृत्रासुर का जो एग्जांपल आता है ना यहाँ पर, he is so much full of devotion, इतना भरा हुआ है वृत्रासुर भक्ति से, कि ये जो सिचुएशन ऐसी हो रखी है, इस सिचुएशन में he is not moved. जो रुई का गोला होता है ना, उड़ जाता है वो, लेकिन रॉक नहीं हिलती. इसलिए हम भी हिलेंगे नहीं अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल कॉन्टेंट होगा ना. हम आने वाले आने जाने वाले सिचुएशन को में नहीं हिलेंगे, बल्कि हर सिचुएशन में ना एक ऊंची दृष्टि रख पाएंगे. वृत्रासुर के पास ऊंची दृष्टि है कि वास्तव में ये हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस तरह से भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है ये. इसलिए ही इज नॉट एजिटेटेड. इसी जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, सो हमें देखना चाहिए कहना कि भगवान की इसमें कुछ ऊंचा कुछ है कार्य. अभी मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन भगवान का कोई दिव्य है, कोई योजना है इसके पीछे. भगवान की योजना सालों साल में बिजी होती है. हमारी योजना होती है 2-4 दिन की होती है, हफ्ते 10 दिन की हो जाएंगी, कुछ महीने की हो जाएंगी. भगवान की योजना सालों साल की होती है, लंबी वाली योजना होती है भगवान की. तो वृत्रासुर के केस में ही हैज दैट पर्सपेक्टिव, उनके पास से दृष्टिकोण है ये देखने का कि किस प्रकार से सब कुछ अल्टीमेटली भगवान की इच्छा के द्वारा होता है. तो इसलिए उसे वो दुखी नहीं होता, ऐसा कैसे वैसा कैसे. तो जैसा फ्लो चल रहा है उस फ्लो के साथ भक्त चलता रहता है और उसमें हरि भजन करता रहता है. वही नहीं सोचता ऐसा कैसे वैसे वैसा नहीं होना चाहिए, अन्याय हुआ है मेरे साथ, इट्स इंसल्ट, इनजस्टिस. यानी सर फ्लो 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 विद द फ्लो. ठाकुर जी के कार्यों में इनजस्टिस नहीं जाए, जीता मित्र जी की जाए, ठाकुर जी की लीलाओं में इनजस्टिस नहीं है. तो इस प्रकार का जो विश्वास होता है भक्त के हृदय के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता. नेवर एवर, नेवर एवर. तो इस प्रकार से इस भाव से हमें वृत्रासुर के स्वभाव से बहुत कुछ सीखने को है कि किस प्रकार से डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. क्योंकि मन डिस्टर्ब होता है तो पहली चीज जो डिस्टर्ब होती है वो है जब ये डिस्टर्ब ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि यही है डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए. लेकिन डिस्टर्बेंस और ये हो, हमारी चेतना किस ओर बहती है? डिस्टर्बेंस की ओर. तो इसीलिए उस वक्त
नाम में आना चाहिए, राइट। कई प्रभु की सिचुएशन है, अच्छी सेल्फ टॉक में आना चाहिए, यानी कि अपने मन के साथ भी थोड़ा प्रचार करना चाहिए। हमारे क्या दुनियादारी को बहुत प्रचार करते हैं, दुनिया वालों लिसन टू माय प्रवचन, माय यूट्यूब वीडियोस। ए सर, आप कभी खुद को प्रवचन देते हैं? नहीं, मरोगे बेटे लाल। हमें 20% प्रवचन देना चाहिए बाहर वालों को, 80% खुद को देना चाहिए, क्योंकि हमारे इस एग्जिस्टेंस में नंबर वन बदमाश कौन? बाहर बदमाशी कम है, हमारे अंदर एक बदमाश रहता है, उसका नाम है मन। उसको 80% प्रवचन सुनाने चाहिए, 20% दुनिया को भी सुनाना चाहिए, आप सुना सकते हैं, बस पहले खुद को तो देखें। फर्स्ट वी हैव टू रिफॉर्म आवर ओन सेल्व्स। सो वृत्रासुर इज सो मच स्पिरिचुअली कंटेंडेड, इज सो कंडेंसली सैचुरेटेड विद भक्ति, कि ये सिचुएशन ही इज नॉट प्रोवोक्ड, कुछ नहीं। यस, सो इन दिस वे यू आर नॉट एजिटेटेड, और आपके एजिटेशन को अगर आपने संभाल लिया तो आपका भजन भी आराम से संभाल जाएगा। यस, ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा, श्रीमद्भागवतम की जय।